बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में। आपको भाई आज का डॉलर का और रियाल जो रेट है इससे आपको अपडेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। यार मोहम्मद बिन, एक दो बातें आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप सुन लें, यकीनन आपको मजा आएगा। यार मोहम्मद बिन सलमान को अभी हम क्या करें, इसने तो अच्छा ही काम किया है, पाकिस्तान की सपोर्ट की है, जो 3 बिलियन डॉलर रखे हैं पाकिस्तान स्टेट बैंक में। रियाल भी नीचे आना शुरू हो गया उससे और डॉलर भी नीचे आना शुरू हो गया है। हम तो सोच रहे थे कि ये 46-47 के करीब पहुंच चुका है तो 50 का मजा लेंगे, लेकिन अभी तो ये 46 से भी नीचे आ चुका है। मैं यहाँ पर आपको रेट भी दिखाता हूँ मैं, और महंगाई की अगर बात करें ना भाई, तो आज ही मैं एक चीज आपको यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ मैं। यार ये देख रहे आप, ये प्राइस इंक्रीज हुए हैं जी तमाम तर बाइक्स के। यार डॉलर रेट या रियाल रेट नीचे आने से पाकिस्तान में महंगाई कम होनी चाहिए ना, इसके मतलब तो आपको इल्म होगा जी। यानी कि डॉलर नीचे आ रहा है तो महंगाई की शरह कम होनी चाहिए, डॉलर ऊपर जा रहा है जैसा कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी, डॉलर क्या जी, डॉलर ऊपर जा रहा है। अभी तो डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये देख रहे यहाँ पर CD 70 की बात की है, और अगर CD 125 की बात करें तो देख रहे 1,52,500 का हो चुका है, 1,47,500 से 5,000 महंगा हो चुका है। ये भी इस हिसाब से मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, इस हिसाब से भाई महंगाई तो बढ़ रही है, तो फिर डॉलर नीचे आने से क्या फायदा क्या हो रखा है, ये बात सोचने वाली है। बहरहाल IMF के साथ भी कुछ मुजाकरा तय हो चुके हैं जी, और सुन रहा हूं मैं आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन में 6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, तो फिर उसके बाद महंगाई की शरह और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आपको पता IMF के मुतालिक बाकी सूरत हाल, तो बाकी यहां पर आपकी आपको मैं रेट से अपडेट करता हूँ, ऐसे गप्पे तो चलती रहेंगी फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। डॉलर के रेट की बात करें तो 171 है जी, आप देख लें जी 171 रुपए 29 पैसे है जी, ठीक है जी, जो कि 171 रुपए 65 पैसे से कम होकर 171 रुपए 29 पैसे हो चुका है। तो डॉलर तो नीचे आ चुका है, अभी देख लें आप 4-4.5 रुपए नीचे हो चुका है, लेकिन महंगाई की शरह जो मैंने आपको बताई है जी वो ऊपर ही जा रही है, हालांकि वो कम होनी चाहिए जो मेन चीज है। अगर अगर रियाल के रेट की बात करें तो यहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रखे होंगे 45 रुपए 96 पैसे, यानी कि 1 रियाल के प्राइस हैं जी 45 रुपए 96 पैसे। ये आप गूगल से सर्च करके खुद भी देख सकते हैं भाई। लेकिन अगर राजी की बात करें, कल मुझे भाई ने कमेंट किया था कि भाई राजी का रेट दिखाया करो, वो कन्फर्म होता है, तो बात तो उसकी ठीक थी। मैंने आज फिर राजी का रेट निकाला, यहाँ पर आप देख लें राजी का रेट भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। 1 रियाल की कीमत है जी 45 रुपए 51 पैसे अल राजी बैंक से, ठीक है जी। अच्छा, इसमें 5-10 रुपए से या 20 पैसे का ज्यादा होता या कम होते रहते हैं, आपको पता टाइम के हिसाब से ये अप डाउन होता रहता है, 45 रुपए 51 पैसे। और अगर 50 रियाल की बात करें, नीचे तमाम तक तफसील लिखी हुई है, तो 2,275 रुपए 2,275 रुपए 44 पैसे बनेंगे जी। आप अगर 50 रियाल भेजते हैं, इसी हिसाब से अंदाजा कर लें कि अगर आप 100 रियाल भेजते हैं तो फिर 4,550 बनेगा। तो ये रेट था जी आज का डॉलर का और रियाल का, जिसमें मैंने आपको अपडेट कर दिया। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो चुकी हो, इसके लिए सॉरी है।